हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम चलेंगे कुछ हरिद्वार के उन मंदिरों में दर्शन करने, जो मंदिर आम लोगों को पता नहीं होते। जो लोग हरिद्वार आते हैं वो मेन मंदिरों में तो घूम लेते हैं, पर ये मंदिर जो है घूम नहीं पाते। तो चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सुरेश्वरी देवी मंदिर। सुरेश्वरी देवी मंदिर जो है BHL में स्थित है, और ये BHL की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पर स्थित है, पहाड़ों के बीच में। तो वहाँ पे जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो वहाँ पे व्हीकल चार्जेस है, 2 व्हीलर के लिए 5 रुपये और कार के लिए 10 रुपये। इस मंदिर की दूरी बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड जो हरिद्वार में आमने सामने है वहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर है। तो आप वहाँ से ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा लेके आ सकते हैं, और अगर आपके अपनी व्हीकल है तो वो तो आप अपना आ ही सकते हैं। वहाँ से ऑटो रिक्शा वगैरह आपके ये चार्जेस लेंगे 20 रुपीस लेंगे पर हेड। ऋषि देवी माता का ये मंदिर, ये पहाड़ों के बीच में जंगलों में स्थित है, और यहाँ पे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है ये। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके यहाँ से राइट लेंगे, ये स्वर्ण जयंती पार्क का चौराहा है, यहाँ से राइट लेंगे सुरेश्वरी देवी के लिए। ये सेक्टर 3 में है स्वर्ण जयंती पार्क BHL। ये रास्ते में शिव प्राचीन ये रास्ते में ही सुरेश्वरी देवी जाते टाइम रास्ते में प्राचीन शिव हनुमान मंदिर में पड़ता है राइट साइड पे। तो नारायणी नमोस्तुते तो गाइस हम पहुंच गए हैं सुरेश्वरी देवी के चेक पोस्ट पर। यहाँ चेक पोस्ट पे यहाँ एंट्री एंट्री है, एंट्री फी लगती है, एंट्री चार्ज लगेगा 2 व्हीलर का वही 5 रुपीस और 4 व्हीलर का 10 रुपीस। लेकिन इन्होंने मेरा कैमरा देख लिया, तो हेलमेट के ऊपर तो उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी जाने की। उन्होंने कहा कैमरा यहाँ पर रख के चाहिए, और कैमरा है महंगा GoPro। मुझे लगा कि ये शायद ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे बाद में, तो इसलिए मैंने रखा नहीं। क्योंकि मैंने उनसे ये एक लॉजिक दिया, मैंने कहा कि अगर आप कैमरे की बात कर रहे हैं तो शूट तो इंसान फ़ोन से भी कर लेगा। तो ठीक है जी, यहाँ पे भाई साहब कैमरा राउंड भी था तो इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। समझ उनको समझ में आई नहीं आई, या उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कैमरा तो रखना पड़ेगा, मतलब कोई इलॉजिकल सी बात थी। इन्होंने मुझे कैमरा देख के अलाउ नहीं किया अंदर जाने का। वही जो आपको दिखाया था मंदिर रास्ते में, प्राचीन शिव हनुमान मंदिर, वहाँ चलते हैं। शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी मृत्युंजय वृषभाध्वज शूलिन गंगाधर मृणमद नारे हर शिव शंकर गौरी श्याम वंदे रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरीनाथं जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो। तो गाइस हम पहुंच गए हैं प्राचीन शिव हनुमान मंदिर। मंदिर का टाइमिंग 11 बजे तक है, सुबह से 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो मंदिर बंद हो चुका है, मतलब फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको अंदर का झलक दिखा देता हूँ, और उसके बाद ये शाम को खुलता 4 बजे। और गोरखनाथ का मंदिर है। अब चलेंगे यहाँ से हम बिल्केश्वर महादेव मंदिर। बिल्केश्वर महादेव मंदिर यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर पर है। श्याम वंदे गौ
गाइस हम जा रहे हैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर, जो अभी BHL के उसी रास्ते से निकले हैं, प्राचीन शिव हनुमान मंदिर के वहाँ से निकले हैं। तो वहाँ से 7 किलोमीटर दिखा रहा है मुझे मैप पर, और ये पड़ेगा हरिद्वार में बाईपास रोड पे। तो अभी मैं BHL की रोड क्रॉस करते ही बाईपास रोड पे जाऊँगा। तो गाइस ये है बाईपास रोड, और ये हरिद्वार मेन रोड से लेफ्ट साइड पर है। शंकर जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। ओ महादेव शिव शंकर शंभो, उमाकांत हर त्रिपुरारी मृत्युंजय विषभध्वज शूलिन गंगाधर ऋण मद नारे। हर शिव शंकर गौरी शं वंदे गंगाधर मीशं रुद्रम पशुपति मीशानां कलये काशीपुरीनाथं। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो, जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो, जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो, जय शंभो। तो गाइस हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है बिल्केश्वर महादेव मंदिर के लिए। यहाँ से जस्ट 200 मीटर की दूरी है। और बीच में हनुमान मंदिर पड़ेगा एक, ये हनुमान मंदिर भी है लेकिन ये बंद हो जाता है। गाइस हम पहुंच गए बिल्केश्वर महादेव मंदिर, सामने दिख रहा होगा आपको कैमरे पर। और दूसरी बात, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी है और बहुत सिद्ध पीठ है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, अभी भी लोग आते हैं। यहाँ पार्किंग कर सकते हैं 4-व्हीलर 3-व्हीलर, और यहाँ 2-व्हीलर की पार्किंग है। जय हो हर महादेव। ये भी मनसा देवी पहाड़ी है, जहाँ पहाड़ी है ना, उन पहाड़ियों के पीछे मंदिर है। और ये है बिल्केश्वर महादेव मंदिर, अति सुंदर। दर्शन हो गए हैं, तो अब हम चलेंगे माया देवी मंदिर। यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से हम चलेंगे माया देवी मंदिर, जो यहाँ से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है। बाईपास रोड से हम मेन रोड पे आ जाएंगे हरिद्वार की, और हरिद्वार मेन रोड पे राइट साइड पे एक कट होगा, वहाँ से हम निकलेंगे माया देवी मंदिर के लिए। वो अंदर कट पर एंटर करते ही कुछ दूरी चलने पर माया देवी मंदिर है। माया देवी मंदिर भी महादेवी माँ दुर्गा अधिष्ठात्री देवी जी का मंदिर है, बहुत सिद्ध पीठ है वो भी। जय जय शेरों वाली, जय जय पहाड़ा वाली, जय जय शेरों वाली, जय जय पहाड़ा वाली, जयकारे लगाए सभी कृपा करो मेरो वाली, कृपा करो मेरो वाली, जय जय शेरों वाली, जय जय पहाड़ा वाली। ये है महादेव, माया देवी मंदिर में एंट्री कर रहा हूँ गाइस। यहाँ से पीछे पीछे कर सकते हैं मुझे अंदर से ऐसे। तो गाइस ये दर्शन हो चुके हैं माया देवी मंदिर, माता रानी के मंदिर के। अब हम यहाँ से चल रहे हैं माया देवी मंदिर के, यहाँ दर्शन करके अब हम चले हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जो कनखल में है। यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कनखल हरिद्वार का एक एरिया है, जो अगर आप दिल्ली से बाईपास रोड से आ रहे हो तो ऑन रोड वहाँ से राइट टर्न करता है सिंहद्वार चौक से कनखल के लिए, तो वहाँ पर ये पड़ेगा। यहाँ से मुझे 2.5 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। तो गाइस ये है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। हर महादेव, जय शिव शंभो, जय बजरंगबली।
जय भैरव। जय दक्षेश्वर महादेव। देव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी मृत्युंजय वृषभाध्वज शूलिन गंगाधर मृणमद हर हर महादेव। जय शिव शंभो। मंदिर में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं दैत्य भंजन मंदिर। ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ से पार्किंग से निकला हूँ। तो गाइस ये है मंदिर दुख भंजन मंदिर, ठीक है। एक मंदिर है शमशान घाट के सामने, दक्ष मंदिर से तो 800 मीटर की दूरी पर, और ये सामने है, इसके सामने वहाँ जा रहा हूँ मैं जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस से, दैत्य भंजन मंदिर। गाइस मैं हूँ दैत्य भंजन महादेव मंदिर के सामने, राजघाट रोड पर कनखल में ही है। जय हो हर हर महादेव। जय। मंदिर तो इस टाइम बंद हो चुका है कि मंदिर बंद होने का टाइम है, और आप आए थे दर्शन शुरू कीजिए। नाम से पता लग रहा होगा दारिद्र भंजन यानी दरिद्रता को भंजन करने वाला, और वो था सामने दुख भंजन मंदिर। जो मंदिर आम जनता नहीं पहुंच पाती, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें नहीं पता होता इन मंदिरों के बारे में, तो ये बड़े सिद्ध मंदिर है। अगर आप यहाँ पे कोई मन्नत मांगते हैं तो पूरी होती है, और हरिद्वार से आप ऑटो बुक कर सकते हैं, सब दरिद्रता से मुक्त हो जाएं यही आशा करता हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगले आज मैं वीडियो में और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे, ऋषिकेश उड़की और ऋषिकेश देहरादून और भी नीलकंठ यहाँ के आपको वीडियो मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो और कुछ सजेशन देना तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं फ्रीली। शूलिन गंगाधर मृण मद नारे हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधर मीशम रुद्रम पशुपति मीशानाम कलये काशीपुरीनाथम जय शंभो।